हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वासुदेव प्रजापत फ्रॉम पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजगंज। टुडेज टॉपिक इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मेरे प्रिय छात्रों, ये ध्यान रखेंगे वर्ब के करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमें कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, सेंटेंस का सब्जेक्ट का नंबर। दूसरा, टेंस। तीसरा, सेंटेंस का टाइप। तो ऐसे कई चीजों को अपने ध्यान में रख करके तब हम ये वर्ब के करेक्ट फॉर्म को फिलअप करते हैं। आप जैसे ध्यान रखेंगे, हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। सीता एक लायर। अब इसमें अगर वर्ब बी दे दिया गया तो हम इसको कैसे भरेंगे? ध्यान रखेंगे, सीता चूंकि सिंगुलर है और लायर जो है यह कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से अगर देखा जाता है, जब सेंटेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट के साथ, तो ये ध्यान रखते हैं तो क्रिया जो है अपने फुल फॉर्म के रूप में आती है, अर्थात लिंकिंग वर्ब के रूप में आती है। तो यहाँ हम इज भर देंगे। बी के फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ऐसे। तो जो इसमें प्रॉपर फॉर्म हो उसको हम इसमें भर देते हैं। अब चूंकि देखिए सीता सिंगुलर है, इसके वजह से वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई। अगर कहीं सेंटेंस हमारा वाइस फॉर्म की ओर संकेत करता है तो उसी के हिसाब से इसको हम भरते हैं। जैसे द लायन बाई द हंटर। अब इसमें मान के दे दिया गया सूट। अब सूट का यहां करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ध्यान रखेंगे ये वॉयस फॉर्म है, तो वॉयस पैसिव वॉयस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ साथ उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होता है। तो अब ये चूंकि ऐसा सेंटेंस है जिसको हम पास्ट में बना सकते हैं, तो आप यह भी ध्यान रखेंगे ये मूल वर्ब के साथ साथ हम अपने पास्ट से कुछ अलग से हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ सकते हैं। तो अब चूंकि ये लाइन सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ हम बी के फॉर्म वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, और इसका जो है थर्ड फॉर्म सू का साथ। तो ऐसे लिखेंगे द लाइन वाज शॉट बाय द हंटर। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग वो रूल होते हैं इसको भरने के लिए। सेंटेंस के वो कर्ता को देखते हैं, सब्जेक्ट को, सेंटेंस को देखते हैं, टेंस को देखते हैं, और उसके बाद तब हम वर्ब को फिलअप करते हैं। ऐसे हम चार पांच सेंटेंस दे दिए आपको फिलअप करने के लिए, करेक्ट फॉर्म भर करके फिलअप करके आप लोग भेजेंगे, और जो गलत होगा फिर उसको करेक्ट करके उसका आंसर आपको तत्काल सेंड कर दिया जाएगा। आज केवल इतना ही। थैंक यू।